बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइडर न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उन्होंने सऊदी फरमारवा से मुलाकात और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके बैरून मुल्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रागब होने और आमादा करने की भरपूर कोशिश की। साथ साथ मुल्क को माली बहरान से निकालने के लिए वो सऊदी अरब से माली मदद का तकाजा भी करेंगे। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मौशी बहरान में मुब्तला हुआ है, जिसके इशारे चारों जानिब से नजर भी आ रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से ये दौरा इंतहाई अहम है। इमरान खान ने रवानगी से कबल गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा था कि हमें पैसों की अशद जरूरत है और इसीलिए वो दोस्त ममालिक के दौरों पर जा रहे हैं। आज भी वजीर आजम ने सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले 3 से 6 माह पाकिस्तानियों के लिए सख्त हैं और माली बहरान से निकलने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने की जरूरत है। नाज़रीन, इस वक्त जब पाकिस्तान मुआशी दलदल में तेजी से धंस रहा है और सियासी जमातों की बात करें तो वो हालात की संगीनी को सरफे नजर करके महज इख्तदार की सियासत को तरजीह दे रही हैं। इन मखसूस हालात में दौरे सऊदी अरब से कुछ लो और कुछ दो का फार्मूला किस हद तक कामयाब हो सकेगा, जबकि सऊदी अरब खुद इस वक्त एक बोछाल में गिरा हुआ है, जहां सहाफी जमाल खशगी की कत्ल के मामले पर पूरी यूरोपीय दुनिया ने सऊदी अरब से मुंह मोड़ा हुआ है। सहाफती जराए का ख्याल है कि यह कत्ल सऊदी शहजादे के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, जबकि सऊदी अरब अपने दिफा में यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि सहाफी जमाल खाशकी के कत्ल का कोई ताल्लुक शाही खानदान से नहीं है और उन्होंने मस्कूरा 15 अफराद को, जो मुबैना तौर पर कत्ल में मुलव्वस हैं, प्राइवेट तैयारे से टर्की नहीं भेजा। उधर बरतानवी मीडिया का दावा सामने आ गया है कि मकतूल सहाफी की लाश सऊदी कौंसल खाने के बाग से बरामद हो गई है। अब इस तमाम सियासी भूचाल के अंदर, जहां दुनिया भर से सऊदी शाही खानदान उनसे सहाफी के कत्ल का जवाब मांग रहे हैं, इस जमन में आज तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने अपनी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जमाल खाशगी के कत्ल को सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सहाफी के कत्ल का मनसूबा सऊदी कौंसल खाने में बना, वाकई में मुलविस 18 अफराद का टर्की की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। अब ऐसे वक्त में नाज़रीन, जब पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद है, तो क्या वो इस पोजीशन में है कि एक तरफ वो इमदाद भी मांगे और दूसरी तरफ वो सऊदी हुकूमत से सहाफी के कत्ल पर पूछताछ भी करे? और क्या सऊदी अरब, जो खुद इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, जहां उसके लिए बिलियंस डॉलर्स असलहे की डील खत्म हो रही है, ऐसे में वो पाकिस्तान की क्या माली मदद कर सकेगा? इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। अपने मेहमान का मैं तारुफ कराऊंगी, स्टूडियो में मौजूद है, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप एडवाइजर ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग भी हैं। महमूद साहब, सूरत हाल जो इस वक्त बनती नजर आ रही है, इमरान खान साहब इस वक्त बिजनेस कॉन्फ्रेंस में है और यकीनन मईशत की बेहतरी के लिए इस वक्त वजीर आजम साहब है, यानी IMF में जाने से पहले, जो दिसंबर में जाना है, उससे पहले 2 माह में वो चाह रहे हैं कि 3 से 6 बिलियन डॉलर जो है वो 6 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास आ जाए ताकि कुछ सपोर्ट मिल जाए। किस हद तक कामयाब रहेंगे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी बेसिकली मेन आइडिया ये है कि IMF में जाने से पहले जितना मैक्सिमम हम जमा कर सके ताकि कम से कम हमें IMF से लेना पड़े, ताकि उनके टर्म्स जो हैं हम 100% जो है ना कंप्रोमाइज हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकें। मेन चीज़ ये है, अच्छा, ताकि हम IMF के साथ टर्म्स नेगोशिएट कर सकें, वरना ये होगा कि अगर हमारे पास कुछ फंड्स नहीं आएंगे, हाँ, तो इट वुड बी 100% डिक्टेशन। इस वजह से हम ये जमा कर रहे हैं कि हम IMF से, उम्मीद तो हम ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है हमें, हम उनके टर्म्स अगर ना हो, हम उनसे ना लें। नहीं, आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं महमूद साहब, कल भी मैं प्रोग्राम में यही बात कर रही थी, जब जाना है हमें IMF के पास तो जाएं। अब ये इफ एंड बट जो है ना, ये ना सिर्फ आपको, देखिए आप सरमायाकारी एक बिजनेस काउंसिल में, आप कॉन्फ्रेंस में वहां पर मौजूद हैं, आप वहां बहुत सारे बैरून मुल्क सरमायाकारों को आप इन्वेस्टमेंट के लिए उनको रागिब करेंगे, कैसे करेंगे जब आपकी पोलिटिकल अनसर्टेनिटी अपने मुल्क में मौजूद है, जब आपको ये नहीं पता कि आपने आज ये करना है, अच्छा आज ये कामयाब नहीं हुआ कल कुछ और कर लेते हैं, डायरेक्शंस जो है ना, हम बार बार एक ही चीज पे बात कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्शन सही, असद उमर साहब कहते हैं जाना है और ये आखिरी बार पाकिस्तान जाएगा, आप कह रहे हैं नहीं जाना। देखिए, जाना है मगर देखिए कम से कम लेने की बात हो रही है ना। अच्छा। देखिए, जितना कम से कम हम लें, मिसाल दे रहा हूँ ना, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर एक लेना है तो हम कहेंगे आधा लेंगे,
देखिए ना, हमें कम से कम लेना है। देखिए एक तो जाके आदमी पूरा रहे, उन्होंने कहा जो हमें कितने अरब डॉलर लेंगे पाकिस्तान आईएमएफ से। देखिए ये तो मेरे ख्याल से अभी तक फाइनलाइज ये असद उमर साहब ही करेंगे। अच्छा। तो इसके ऊपर मैं फिगर्स से 6 अरब डॉलर क्योंकि मैं फिगर्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या माली उसूल पर ही बात होगी खाली या कुछ और भी डील्स होंगे सऊदी अरब के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से माली उसूल पर ही बात हो रही है। और देखिए जहां माली उसूल होते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो गुंजाइश हर जगह होती है। तो अगर आप कहेंगे कि फिर हम दो, मतलब इट हैज टू बी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं। अच्छा, पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब गए थे सरकारी दौरे पे, बनने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको बड़ा ही प्रोटोकॉल मिला था, बहुत एजाज मिला था उनको। वापस आए थे तो बात ये हो रही थी कि शायद 3 माह के जो हैं वो तेल हमें उधार पर मिल जाएंगे। कुछ 4 अरब डॉलर की बात भी की जा रही थी कि शायद हमें सऊदी अरब से वो भी मिल जाएंगे। फिर सऊदी अरब का डेलीगेशन भी यहाँ आता है, लेकिन मसला यहाँ ये हो जाता है महमूद साहब कि आपका हर मिनिस्टर जो है, जिसका डोमेन नहीं है, जिसके मिनिस्ट्री नहीं है, वो बात ये कर रहा होता है। मतलब हर कोई अपने तौर पे चैंपियन बनकर जो है वो स्टेटमेंट दे रहा होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसीलिए गए कि शायद एक वो असद उमर साहब को भी सामने नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि पिछली दफा का जो दौरा था, दौरा सऊदी अरब, उससे कुछ इंप्रेशन बहुत ही गलत चला गया था। हर मिनिस्टर उठ के अपने तौर पे जो है वो एक मुकराती मार रहा था कि जी नहीं लेंगे, कुछ कहते थे लेंगे, कुछ कहते थे नहीं लेंगे, तो वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि असल में पॉलिसी क्या जा रही है गवर्नमेंट की इस वक्त। देखिए इसका जो है ना, मेरा कहना ये ना कि इसको मीडिया ने बड़े अलग अंदाज से इसको पेश किया। हाँ, आप लोग के स्टेटमेंट को, हमारे स्टेटमेंट, देखिए मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं, आपने कोई बात नहीं, मैंने आप लोग के मिनिस्टर्स की बात कोट की है, तो आप कह रहे हैं हम कैसे पोर्ट्रे गलत नहीं। देखिए पोर्ट्रे गलत नहीं कर रहा, मगर मैं आपको ये कहूंगा ना, देखिए अंदाज देखने का अलग अलग है। इस गिलास को देखने का थोड़ा बहुत देखे अंदाज, मेरे ख्याल से मीडिया थोड़ा सा हमें पॉजिटिव सपोर्ट करे, मैं तो ये कहूंगा। तो पॉजिटिव सपोर्ट क्या है ना, आप लोग के कैंपेन में हम पॉजिटिव आपको लोगों को लेके चले। आप लोग प्राइम मिनिस्टर, आपके इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उनको मोरली सपोर्ट किया गया। हम आज भी उनके विल पर नहीं शक कर रहे, हम उनकी स्ट्रेटेजी पर बात कर रहे हैं। बहरहाल अब ये मुझे बता फरमा दीजिएगा कि इस वक्त चूंकि सऊदी अरब में जो मैंने बात की थी कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, सहाफी के कत्ल की बात है, जमाल खाशगी के हवाले से बात हो रही है, ऐसे वक्त में आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई है, जर्मनी, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया सब ने बॉयकॉट किया। पाकिस्तान बड़े गुड जेस्चर लेकर गया, क्योंकि पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात सऊदी अरब के बहुत अच्छे हैं। बुरे वक्तों में सऊदी अरब बहुत मतलब उसने तावुन भी किया है। ऐसे वक्त में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, कि क्या वाकई माली इमदाद मिल जाएगी सऊदी अरब से? देखिए हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माली इमदाद मिल जाए, क्योंकि देखें हम, अगर आप देखें ना कि इस वक्त इस्लामिक ममालिक में देखें हमारी एक पोजिशन, फाइनेंशियली भले आप मतलब दुनिया समझे, मगर वैसे हम काफ़ी स्ट्रांग हैं इस्लामिक स्टेट्स के अंदर। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम, हमारी उम्मीद है कि ये फाइनेंस मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हम जरा इकोनॉमी एक्सपर्ट को भी साथ ले लेते हैं, माहिर मौशियात हमें बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त जो मौजूद हैं वहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, और मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म साहब की बहरहाल एक काविश है, उस पर बात करेंगे। अयूब मेहर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अयूब मेहर साहब। अयूब मेहर साहब, क्या लग रहा है आपको कि वाकई ये जो बात आज जो उन्होंने सवाल जवाब का सेशन था सऊदी अरब में, उन्होंने यही बात की थी, जरा क्रूशल वक्त चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर और 3 से 6 माह लगेंगे पाकिस्तान को कर्जे उतारने के लिए, मजीद कर्जों की जरूरत है, आपको लगता है कि ये माली उसूल पर बात हो रही है इसमें कामयाब हो सकेंगे वज़ीर आज़म साहब? देखिए मैं अभी आपके सवाल जवाब सुन रहा था, प्रोग्राम में आपका देख रहा था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि सऊदी अरब में जो कॉन्फ्रेंस मिली है, ये बेसिकली इसमें जो बड़े बड़े ग्रुप्स आने थे और जिन कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, उनका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन कंट्रीज ने आके सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करनी थी। ठीक है। अच्छा, अब जब इन बड़ी कंपनी ने बायकॉट किया और इनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं और जो इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूके की गवर्नमेंट है, फ्रांस है और गूगल कॉरपोरेशन है, जब इन लोगों ने जब बायकॉट किया, तो सऊदी अरब का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं समझता हूँ कि वो अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा। इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में आएगी। हमारा जो शिरकत करने का रोल था, हम क्यों गए वहां पे, इसमें बेसिकली मसला ये है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें एक बहुत सीवियर किस्म का लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता चुके हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त 12 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। इसमें एक तो ट्रेड डेफिसिट को हमें पूरा करना है,
ट्रेड डेफिसिट के अलावा जो हमें लोन्स की रीपेमेंट करनी है, डेट सर्विसिंग है, उसमें हमारे अपने रिक्वायरमेंट है $12 बिलियन की। अच्छा, इस वक्त मैं फैक्ट एंड फिगर से बात करूंगा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास लगभग कोई $10 बिलियन के करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मौजूद है। रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरनेशनल एक तरीकाकार है कि किसी भी कंट्री के पास जो IMF की मेंबर कंट्रीज हैं जी, उनके पास उनकी इंपोर्ट्स के 8 हफ्ते की इंपोर्ट्स के इक्वल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद होने चाहिए। ठीक, अगर उस ब्रेक लेवल से नीचे चले जाता है, वो जो बफर लेवल है उससे नीचे अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाते हैं तो फिर इम्पोर्ट जो हमें करनी होती है उनमें हमें प्रॉब्लम होती है। हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट जो LCs होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनकी ऑनर नहीं होती। तो अच्छा, कुछ इम्पोर्ट ऐसी हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स के आइटम हैं, मेडिसिन हैं, एडेबल ऑयल है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड चीजें हैं, ये तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना, ये तो इन एनी केस हमें इम्पोर्ट करनी होती है। तो पाकिस्तान के पास एक रास्ता ये बचता था कि पाकिस्तान IMF के पास चला जाए ताकि ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो नहीं। तो अय्यूब साहब, आपको ये क्यों क्यों ये एक तरफ तो वजीर आजम साहब की काविश है कि जी IMF जाने से पहले जो है वो तमाम ब्रादराना ममालिक के साथ, अभी वो सऊदी अरब जा गए हैं, फिर मलेशिया का प्लान है, फिर वो चाइना जाएंगे, ये माली इमदाद हासिल करने के लिए वो जा रहे हैं। IMF में 2 माह रह गए, दिसंबर में हमें डिसाइड करना है। अब उससे पहले क्या इनकी कोशिश है कि 3 से 6 अरब डॉलर जो है वो दोस्त ममालिक से हासिल कर लें, फिर भी वो IMF के पास जाएंगे या फिर IMF के पास नहीं जाएंगे अगर उनको यहाँ से इतने पैसे मिल जाते हैं तो? बिल्कुल ठीक है, इसमें जो इस वक्त जो सऊदी मॉडल जो बन रहा है, जो शायद मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में जो चीज मौजूद है कि सऊदी अरब से हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये लगभग हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसका लगभग 1/3 जो है वो सिर्फ ऑयल की इंपोर्ट्स होती है, यानी आप समझ लें कोई 40% 30 और 40 के दरमियान ऑयल की इंपोर्ट्स होती है। सऊदी अरब एक फैसिलिटी दे सकता है, वो हमें जाहिर है मुफ्त ऑयल नहीं दे, ना हमारी ये डिमांड है और ये रैशनल बात भी नहीं है, लेकिन माजी में भी सऊदी अरब ने एक दफा ये फैसिलिटी दी थी कि वो डेफर पेमेंट की फैसिलिटी हमें दे देता है कि हम अभी इंपोर्ट कर लें, एक सप्लायर क्रेडिट फैसिलिटी होती है, पेमेंट हम 6 माह बाद कर देंगे। ठीक है, उससे ये होता है कि हमारा जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो किसी हद तक सॉल्व हो जाता है। तो हमारा अपना इंटरेस्ट है सऊदी अरब में, जो हम कॉन्फ्रेंस में गए हम सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट करें, वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से तो हम कंसर्न है ना। हमारा ये है कि सऊदी अरब से कोई फैसिलिटी जो हम ले सकते हैं डेफर्ड पेमेंट की, वो हम बातचीत इसके जरिए लेने में कामयाब हो जाए, वो एक कोशिश की जा रही है। ठीक है, अय्यूब मेहर साहब आप हमारे साथ टेलीफोन पर रहिएगा, हमें PTI के सीनियर रहनुमा है महमूद मौलवी साहब, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महमूद साहब, बिजनेस से भी आपका एक लाइक ताल्लुक की बिजनेस से आपका, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मैं तो नाकसुल अकल हूँ, मुझे मईशत के बारे में नहीं पता। मुझे सिंपल ये समझा दीजिएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इनिशिएटिव फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए ये इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए जहां वो बैरूनी सरमायाकारों को लेकर आएंगे, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था और मैंने जो हमारे गेस्ट हैं अय्यूब मेहर साहब उनसे भी मैंने बात की थी, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप IMF के पास जाएं ज़रूर, IMF के पास जाना कोई गुनाह नहीं है, पिछली गवर्नमेंट्स भी गई हैं, बल्कि बैरूनी सरमायाकार का ट्रस्ट बढ़ेगा, ADB का, वर्ल्ड बैंक का, आप ज्यादा आप इजी तरीके से लोन भी ले सकते हैं, कर्जे भी ले सकते हैं, बैरूनी सरमायाकार का ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन जब आप जाते हैं कभी इस मुल्क जाते हैं, वहां पे अनसर्टेनिटी है, सऊदी अरब में भी आपको बता दिए कि जो मेन जो बड़े ममालिक आने थे वो आए नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना था वो नहीं हासिल कर सकेंगे। अब सऊदी अरब क्या देगा, उधार पर तेल दे देगा, कर्जे पर तेल दे देगा या कर्जा दे देगा, थोड़ा बहुत आप वो टारगेट तो अचीव कर नहीं सकेंगे। आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या किया, आपके इम्पोर्ट सेक्टर तबाह हो चुका है, इम्पोर्ट से ही आपके जर मुबादला के जखायर आते हैं ना, उसके लिए क्या अभी इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इम्पोर्ट से नहीं, हमारे जर मुबादला आते हैं एक्सपोर्ट से। अच्छा, सॉरी, एक्सपोर्ट से, माजरत के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, इम्पोर्ट ने तो तबाह कर दिया। देखिए, एक्सपोर्ट्स में देखिए इस वक्त हमारे चावल के एक्सपोर्ट्स का सीजन शुरू हो चुका है, ठीक है ना, एक चीज है। दूसरे चीज हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्द हम वीट के एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सरप्लस वीट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, गंदम जो है हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, उसको भी हम एक्सपोर्ट्स करने की मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि अभी मेरे ख्याल से 10 लाख टन तो जा चुका है, अभी भी हमारे पास कोई 15 से 20 लाख टन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है गंदम, जो कि पिछले सीजन्स का, उसको भी हम एक्सपोर्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त जो हम ये भी देख रहे हैं कि देखें टेक्सटाइल को भी
कोशिश कर रहे हैं कि बूस्ट दें, मगर जो मेन देखें जो सीजन शुरू हो गया चावल शुरू हो गया, चावल हमारा तकरीबन $2 बिलियन का एक्सपोर्ट्स होते हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक। तो जो अभी शुरू हो चुका है गंदम जो अभी जाएगा, अगर देखें 1.5 मिलियन टन ये गंदम बेच देंगे तो इसके भी हमारे एक्सपोर्ट्स जाएंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को देखें हम एक्सपोर्ट्स के तरफ ही देख रहे हैं, हमारी इस वक्त प्रायोरिटी एक्सपोर्ट्स है। हम बात कर रहे हैं कि जो सोया मील हमने इम्पोर्ट किया था, सोया सीड, उसको भी हम टारगेट ही एक्सपोर्ट्स नहीं वो कर रहे हैं वाली बात नहीं। अभी आप लोगों ने प्लानिंग क्या की है, स्ट्रेटेजी क्या बनाई है, एग्रीकल्चर में खाद यूरिनियम में आप लोगों ने पैसे बढ़ा दिए, महंगाई का बम बार बार आप लोग आवाम पर गिरा रहे हैं। मुझे ये बताया ना बैरूनी सरमायाकार, अब आप प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमें चाइना की एग्जाम्पल लेनी चाहिए, 30 साल में जो है वो गुर्बत खत्म कर दी है। गुर्बत कैसे खत्म की, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा के, रिलीफ सब्सिडी दे के, आप वो कर सारे काम तो कर नहीं रहे। आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है, मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी मैं चंदा नहीं मैं मतलब चंदा मांगने वाला सबसे बड़ा आदमी हूं। अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, चंदा मांगने जा रहे हैं, देखते हैं कितना चंदा लेकर आते हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा था मैं कर्जे नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये टर्न क्यों है, ये कभी आप कुछ कह रहे होते हैं कभी आप कुछ कह रहे होते हैं। देखिए अभी देखें इसको जो है ना, वही मैंने जैसे कहा ना, जैसे आप देखें, देखिए हर चीज की हम कोशिश, देखिए आप अभी 50 दिन में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें उसकी वजह ये कि सिम्ट हम सीधे सिम्ट हमारी ठीक है, अगर आप समझेंगे कि हम पूरी जो है समंदर पार कर लेंगे हम 50 दिन में या 100 दिन में, वो तो पॉसिबल नहीं है। जो सालों जिन्होंने सालों साल लगा लिए वो तो अभी तक सिम्ट पे सही नहीं आए। हमसे लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जी 50 दिन में हम पूरे दूध की नहरें बांध, ये तो मुमकिन नहीं है ना। सर नहरें नहीं बहाएं, हमें पता है नहरें नहीं बहा सकते। हाँ। मसला ये है कि आप सिर्फ सिम्ट का तायुन, आप कह रहे हैं सिम्ट हमने तायुन कर लिए। अय्यूब मेहर साहब क्या हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है उसमें मौजूदा गवर्नमेंट के डायरेक्शन सही सिम्ट पर जा रही है, इसका जवाब मैं आपसे तफसीली लूंगी। ब्रेक ले लेती हूँ, आप मेरे साथ ही मौजूद है कि नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हो रही है और अभी ब्रेक में ही मेरे जहन में ये बात आई थी कि इमरान खान साहब ने मतलब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब इलेक्शंस की कैंपेन चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कंटेनर्स पर खड़े होते थे, जलसे करते थे, तो कहते थे कि मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, मैं कर्जों के लिए नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर होगा मैं खुदकुशी कर लूंगा। जिस पर मुखालफिन उसको बड़ा ही कैश कर रहे हैं कि जी बताएं खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो हमें भी बता दें। अय्यूब मेहर साहब, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा हैं कि जाने से पहले इमरान खान साहब ने एक बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमें डेस्परेटली जो है वो इस वक्त पैसों की जरूरत है, और यकीनन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि मेरे गेस्ट कह रहे हैं महमूद साहब के हमारी डायरेक्शन जो है वो उनका तायुन हो चुका है, अब हम उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इकोनॉमी के लिए ये जो तमाम स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये सही सिम्त में जा रहे हैं? इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्रॉब्लम तो इकोनॉमी में आ रही है, ये क्राइसिस आज की नहीं है। एक्सपोर्ट की जब आपने बात की तो एक्सपोर्ट में मैं ये बड़े मतलब जो दुख के साथ जो बात कहनी पड़ती है वो ये कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में गुज़िश्ता 4 साल सिर्फ ऐसे आए हैं जब एक्सपोर्ट में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। उससे पहले एक्सपोर्ट बढ़ती कम थी, कम बढ़ती थी, ज्यादा इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ती थी, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ती रहती थी किसी हद तक, ग्रोथ थी, लेकिन 4 साल ऐसे गुजरे जब इसमें नेगेटिव ग्रोथ आई, यानी एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गई। तो क्राइसिस जो है, फॉरन एक्सचेंज का भी क्राइसिस है, एक्सपोर्ट का क्राइसिस है, एफडीआई हमारे यहाँ नहीं आ रही, रुपी की वैल्यू के प्रेशर है, ये सब चीजें अपनी जगह। लेकिन मसला ये है कि जो मैनिफेस्टो था पीटीआई का, उस मैनिफेस्टो के लिए जो इकदाम लेने चाहिए थे वो अभी एक क्लियर का डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। अच्छा, उसमें जो मैं समझ पाया हूँ कि ये किस किस्म की डायरेक्शन बन सकेगी, उसमें यह कि अगर आप जाएं इस पर जिन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, नो डाउट कि उसमें सब अच्छे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उनके उसका कम्बिनेशन और उसके बाद जो पाकिस्तान बिजनेस के लीडर्स की काउंसिल बनाई गई है, वो एक दूसरा इन्होंने काउंसिल बनाई, उसका अगर आप कंपोजिशन देखें ना बिजनेस एडवाइजरी जो इन्होंने काउंसिल बनाई है लीडर्स की, उसमें एक्सपोर्ट की तरफ लगता है कि इनका ट्रेंड है। लेकिन जो महमूद मौलवी साहब जो बात कर रहे थे ना राइस की और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की, अच्छा ये जो नजर नहीं आया अय्यूब साहब, ये फिगर जो बताए जा रहे हैं ना, ये खसारे के, ट्रेड डेफिसिट के,
और जो बैन अल-अक़वामी कर्जा है या पाकिस्तान के जो पैसे थे वो बाहर चले गए, इन फिगर्स में बड़ी मतलब कंफ्यूजन है। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीटीआई चेक कर लें हम कितना पैसा छोड़ कर गए, बल्कि उन्होंने फवाद चौधरी को मनाजरे की भी बात कर दी। अब ये जो ये सियासी चपकलिश जो है ये आवाम को कंफ्यूज कर देती है, मतलब आपके पास गवर्नमेंट के पास सिवाय महंगाई बढ़ाने के कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। दूसरी तरफ जो है सियासतदान एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे हैं, तो इस तरह मामला कैसे चलेंगे कि 60 दिन में जो है हम सारे जो है वो बहुत नाउमीद हो गए इन तमाम हालात से। देखिए ये एक मरतबा पहले एक चीज ये डिस्कस हुई कि इसी पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया था डेट लिमिटेशन एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, वो पाकिस्तान से एक्ट बन चुका है और वो मैं समझता हूँ ये मिसाफ की सियासत या मिसाफ की जमहूरियत तो ये लोग करते रहे हैं। वो उस एक्ट की शक्ल में एक मिसाफ मीशत इनको मिल गया था। बहुत अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उस पर ना तो किसी भी गुट, मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, दो तीन गवर्नमेंट जो आई है किसी गवर्नमेंट ने उस पर अमल नहीं किया और अपोजिशन पार्टीज ने भी उसको हाईलाइट नहीं किया कि इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। वो एक ऐसी चीज है अगर उस एक्ट पर ही अमल कर दें, एक उस एक्ट पे अमल कर दें और एक फाइनेंशियल करप्शन जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज ना करें तो इनको सोल्यूशन मिल सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा क्योंकि अभी जो डायरेक्शन है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, जब तक फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने जो बनाई है इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, हम नहीं समझ सकते कि इकोनॉमी की डायरेक्शन कहाँ जा रही है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अयूब साहब ये जो इकोनॉमी के लिए बहरान से निकलने के लिए असद उमर साहब ने जो इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, ये क्या बला है, इससे क्या हो रहा है? हम अपने बरामदात हमारी मतलब 60 दिन हो गए हमें अपनी बरामदात कोई बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। एग्रीकल्चर मुल्क है हम तो, जरई मुल्क है, हमारी तो मईशत एग्रीकल्चर से चल सकती थी। आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, यूरेनियम पे, खाद पे, किसानों की अलग चीखें निकल रही है, समझ नहीं आ रही कोई चीज के आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। देखिए इनको जो जो अभी मेयर ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना, जितने भी प्लान डिस्कस हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाती है या प्लानिंग जो की जाती है वो लॉन्ग या मीडियम टर्म के लिए की जाती है। शॉर्ट टर्म जो क्राइसिस जिसको बार बार मेंशन किया जा रहा है, लिक्विडिटी का मसला है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वजह से रुपी पे प्रेशर आ रहा है, अभी इनको उन प्लान्स को छोड़ देना चाहिए जो मैनिफेस्टो में है वो करते रहे, उनके लिए उनके पास पांच। अच्छा यूब मेरे साहब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एबीसी प्लान ऐसा है, प्रेशर रहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर, ये प्रेशर ट्रांसफॉर्म होगा, रुपी की वैल्यू मजबूत होगी, ठीक वहां से ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होगा इन्फ्लेशन पे। खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत बड़ा एक खतरनाक फिर इंप्रेशन जो खुद भी हुकूमत की तरफ से भी हुकूमत के नुमाइंदे भी मेंशन करते रहे हैं कि आने वाले 3 से 6 माह बहुत प्रॉब्लम में होंगे इकॉनमी, तो वो किस तरह से होगी कि इन्फ्लेशन का बहुत एक बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है और अगर वो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो फिर आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फिर इन्फ्लेशन से पॉवर्टी का डायरेक्ट रिलेटेड रिलेशन है, क्या इन्वेस्टमेंट के बगैर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से क्रिएट की जाएंगी, वो सारे क्राइसिस फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएंगे। इसको यहीं से कंट्रोल करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसी न किसी तरह पे चले। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब मेहर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। मैंने इनसे इसलिए ओपिनियन ले ली थी सेकेंड ओपिनियन कि हमें पता तो चल सके कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं उससे वाकई देखें माली इमदाद उस तरह से तो अभी तक कुछ पता नहीं है कि हासिल होती या नहीं होती। आप वहाँ के इन्वेस्टर्स को कितना रागिब करके वो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, 5 साल वाली जो विजन बात करेंगे, जो विजन की बात करेंगे, जो कन्विंस करने की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। शॉर्ट टर्म में क्या आप लोग के इकदाम आते हैं इस वक्त? देखिए शॉर्ट टर्म में वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट हैं एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। जैसे मैं अभी कह रहता हूँ कि एक्सपोर्ट वीट की बात करें, गंदम देखे जा रहा है, चावल जा रहा है, हम एक्सपोर्टर्स को बिठा के बात कर रहे हैं कि देखिए आप लोग एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। आए थे असद उमर साहब, उन्होंने बात किया था ब्रोकर से सारे, एक मेरा ख्याल है मुलाकात भी हुई थी, वहां पर भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया। मुझे तो हंसी उस बात पे आ रही थी जब असद उमर साहब से सहाफी सारे मिले थे और उन्होंने पूछा था कि वो 200 अरब डॉलर जो है जो स्विस बैंकों में पड़े, जिसका जिक्र इसाक डार साहब ने और तारिक बाजवा साहब ने कहा था जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, आप वो लेकर आए? उन्होंने कहा नहीं जी वो तो कुछ गलत फहमी हो गई थी, वो मामला ही खत्म हो गया है। ये क्या चीज है, मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्टर कभी उस पर इलेक्शन से पहले उसी बात को लेके इलेक्शन लड़ रहे थे और आज वो कह रहे हैं वो गलतफहमी पैदा हो गई थी, ये क्या चक्कर है? नहीं देखिए करप्शन के ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई हमारे पास दो राय नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि करप्शन लोगों को हम हर हाल में कटेरा तक लेके आएंगे, इसमें मेरे ख्याल से
पार्टी में नीचे से लेके ऊपर तक कोई इख्तलाफ राय नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं कि जब जब हम बात कर रहे हैं कि करप्ट लोगों को पकड़ने की, तो इतना प्रेशर आता चले जा रहा है। सारा प्रेशर आ क्यों रहा है, क्यों? अभी ऑपोजिशन का इतिहाद भी बनने जा रहा है, फजल रहमान साहब मिल रहे हैं, आसिफ अली जरदारी से मिल रहे हैं, आप लोग के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की भी बातें की जा रही है। खुद अंदाजा करें ना, आप मुझे बताएं, अभी थोड़े दिन पहले जब आसिफ जरदारी साहब से प्रेसिडेंट के लिए फजल रहमान ने कहा, तो उस वक्त तो कोई आदमी बैठ नहीं रहे थे। आज आप देखें कि वो क्योंकि करप्शन पे हम हाथ डाल रहे हैं, तो अब वो दोनों सब बैठने को तैयार है, अब सब एक हो गए, अब सब हंसी खुशी से मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखे जी नवाज शरीफ के लिए तो मैं मौलाना साहब के थ्रू बात करूंगा। हाँ। और मौलाना साहब बड़े खुश होते हुए जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी कोई हम बात कर चुके हैं। तो आप ये देखें ना, उसकी वजह क्या है? मेन चीजें मैं आपको आज भी कहूंगा कि इसमें करप्शन जैसे, और आप लोग खुद देख रहे हैं कि जगह जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन लोगों को। आप ये देखें ना, जो बैंकों में से अरबों रुपए निकल रहे हैं, ये क्या ये भी वजह है कि मुखालफिन आपको इतना टफ टाइम दे रहे हैं? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी, वैसे हम बात करते हैं कि हंग पार्लियामेंट एक बना हुआ है, आप लोगों ने भी अलायंस लेके अपनी हुकूमत तश्कील दे दी है, क्या ये भी आप लोग पे एक प्रेशर है जिसकी वजह से आप लोग के कुछ कभी कुछ बयान होते हैं, कभी कुछ बयान होते हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की थी कि जरदारी साहब के पास वोट नहीं नोट है, और शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी आ जाए मनाजरे के लिए हम तैयार हैं। ये जो सियासी जो रस्साकशी है, इससे भी आप जो आपके मसाइल है, जो बेसिक मसाइल है पाकिस्तान के, वो सरफे नजर हो रहे हैं? देखिए थोड़े बहुत तो मसाइल हर तरफ से हमारे को मिल रहे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हर तरफ से मसाइल, मगर हम इसको निकालते चले जाए। देखिए इस वक्त LNG का प्रोजेक्ट, हम LNG पे जाते हैं, वहां देखते हैं तो वहां पे भी जहां जो फाइल उठा रहे हैं ना, उसमें मसले ही मसले हैं। ठीक है ना, खाकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, LNG का प्रोजेक्ट भी इन्हीं का है। देखिए बहुत से जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम हाथ डाल रहे हैं, उस पर मसले हैं। आप मुझे बताएं, अरबों रुपए बैंकों से निकले, ये पहले क्यों नहीं निकले? ठीक है ना, अब वो निकाल रहे हैं। तो वो सब चीजों पे जहां जहां टाइट करते जाएंगे, आपको ये प्रॉब्लम नजर आएंगे। और ये मैं आपके आपके इस चैनल के तफसल से कह दूं कि थोड़ा टाइम लगेगा, चीजें सिम्ट की तरफ जा रही हैं। देखिए जहां ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि अच्छा, अभी हम और टाइट कर रहे हैं। ठीक है, चलें, हमें अब ज्वाइन किया है आमिर लतीफ साहब ने, सीनियर सहाफी भी हैं और बैनुल अक़वामी उम्र पर काफी उनके माहिराना गिरफ्त भी है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, अगर हम बात करें, इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है वहां पर, और ऐसे वक्त में मौजूद है जब सऊदी अरब को एक बहुत ज्यादा जो कहते हैं पॉलिटिकल स्टॉर्म का सामना है सहाफी जमाल खाशकी को लेकर, और उसका आज हमने वो देखा कि आज बायकॉट किया गया, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी ने बायकॉट किया। ऐसे में पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, अच्छा गुडविल लेकर वहां पर गया है, क्योंकि उसका अपना भी एक फायदा है कि वो वहां से पैसे लेना चाहता है। लेकिन आप समझते हैं कि पैसे लेने के साथ साथ क्या इमरान खान साहब ये सहाफी के कत्ल के मामले पर कोई एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं? आमिर लतीफ साहब, आवाज आ रही है आपको? आमिर लतीफ साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हमारा रब्ता मुनकता हो गया। क्या खान साहब कोई बात करेंगे वजीर आजम साहब, जब इतना प्रेशर है सऊदी अरब के ऊपर इस वक्त, जर्मनी ने भी, जर्मन चांसलर ने भी जो है वो अरबों रुपए की डील जो है, डील बिलियन डॉलर्स डील जो है असले की, वो उन्होंने कैंसिल की है, पोस्टपोन की है, ऐसे वक्त में कोई बात करेंगे वो, पूछेंगे उनसे? देखिए वो बात जरूर करेंगे, और वो देखेंगे जहां अपॉर्चुनिटी मिले ना, और जहां हमारे इंटरेस्ट में हो पाकिस्तान के, वो मेरे ख्याल से उसी को अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, देखिए ना, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। खान साहब का आप हमेशा ये सुने ना कि हम पहले तरजीह देते हैं पाकिस्तान को। ठीक है ना, हमारा इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे है पाकिस्तान। ठीक है ना, तो अगर हमारे इंटरेस्ट में होगा, जहां जहां वो देखते जाएंगे कि हमारे जहां इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से उसको, उस अपॉर्चुनिटी को टैप करेंगे। ठीक है, आमिर लतीफ साहब हमारे से दोबारा लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब, ये अब मैं बात करूंगी, मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद नामजद हुए, उसके बाद हमने देखा था कि सऊदी दाखिले और खारजी बड़े ही हमें एक एग्रेसिव किस्म के जो पॉलिसीज हमें नजर आई, और इन तमाम इकदाम के बावजूद, ये एग्रेसिव पॉलिसीज के बावजूद जो है हमें सऊदी अरब को देखा कि कोई किसी बहरान का सामना नहीं रहा। लेकिन 2 अक्टूबर को जमाल खाशगी के बाद कत्ल के बाद जो है इस वक्त ऐसा बहरान खड़ा हो गया है जो पूरी रॉयल फैमिली को अपनी लपेट में ले रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर?
जी बिल्कुल, देखें जैसे खुद ही आपने कह दिया, वो होता यूं है कि बहरान जो है वो कहीं ना कहीं सर उठा रहे होते हैं, और आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एरोगेंस है, वो आपको किसी ना किसी जगह ऐसी जगह फंसवा देती है कि जहां आपको कभी वहमो गुमान नहीं होता। बहरहाल अब ये क्योंकि कुछ फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज है, हमें पाकिस्तान के ताल्लुकात तुर्की और सऊदी अरब दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। लेकिन मैं कुछ आपको डिटेल्स अगर बताऊं कि जो मैं समझता हूं कि ये बहरान मजीद संगीन होने वाला है। अच्छा। क्योंकि इसमें सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि सऊदी अरब ने ये तस्लीम कर लिया है, और सऊदी अरब ने ये तो तस्लीम कर लिया कि जमाल खशोगी जो है वो, जो आपको शायद इल्म हो कि वो बेसिकली तुर्की नेशनल हैं, ये सारा मसला क्यों खड़ा हुआ है, ये जी जी। तो 3 से 4 सदियों पहले इनका खानदान जो है वो मदीना में जब है वो शिफ्ट हुआ था, जब ये तुर्की की जो उस्मानी खिलाफत थी उसका सऊदी अरब हिस्सा था, और उस वक्त उसका नाम हिजाज होता था। बहरहाल उसके बाद जो है वो ये जब ये सारा वाकया हुआ है, तो उसमें 2 चीजों पे जो है वो तुर्की ने बहुत ज्यादा स्टैंड लिया है। नंबर 1 ये स्टैंड उसका ये है कि ये उनके होने वाले दामाद थे तुर्की के, और तुर्की ने ये बड़ा, यानी अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो अपने जो दामाद होता है उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि देखें ये जो वाकया हुआ है कि ये तुर्की की सरजमीन पे हुआ है, बेशक सऊदी कॉन्सुलेट जो है वो एक तरह से एक सऊदी अरब की जमीन तस्लीम की जाएगी, लेकिन वो बहरहाल एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क तुर्की में वाकई है। सही। तो ये वाकया आप इससे समझ लें कि यूरोप या किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में होता तो उसका यही रिएक्शन आना था जो आपने यहाँ पे देखा है। और फिर जिस तरीके से अब आप देखें कि वजाहतों पे वजाहतें आ रही हैं, वो मजीद मामला को खराब किए जा रही है। ठीक। तो आज जो प्रेसिडेंट अर्दोगान का आपने खिताब देखा, तो आप देखिए अमूमन कभी किसी मुल्क का जो सदर है वो इन्वेस्टिगेशन के मामला पे वो नहीं आता सामने, उस मुल्क की एजेंसी या उस मुल्क के ज्यादा से ज्यादा वजीर खारजा जो है वो इन मामला को डील करते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो क्राइसिस है कितना गहरा है कि एक मुल्क का हाईएस्ट ऑफिस यानी सदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे आपको आगाह कर रहा है, और उसके साथ उन्होंने खुल के ये कहा प्री मेडिएटेड, यानी ये एक प्लान मर्डर था। ये आप समझ लें कि इसका मतलब साफ ये है कि उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, कि किन लोगों ने इसको, लेकिन आमिर साहब ये पहली दफा तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें ये जमाल खाशकी की, ये पहले एडवाइजर भी थे रॉयल जो फैमिली है इनकी सऊदी अरब की, उसके बाद उनको कुछ मतलब लाइक इख्तलाफात थे, कुछ तहफ़ुज़ात थे जो उनकी पॉलिसीज थी, खासतौर पर जो नए वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान उनके मामलात को लेकर। फिर लास्ट जो उन्होंने कत्ल होने से पहले जो एक आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने यमन के ऊपर जो सऊदी अरब का मतलब बमबारी थी और ये तमाम जो जो इकदाम थे जारहाना इकदाम सऊदी अरब की तरफ से, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। तो क्या ये जमाल खाशकी पहले कोई वाहिद शख्स थे जिनको सऊदी अरब के रॉयल फैमिली ने अपने मामलात में इंटरफेयर होने पर या तनकीद करने पर इनको गायब किया? इससे पहले भी बहुत सारे मसाइल है, लेकिन पूरी दुनिया मुतहरिक क्या हो गई है, खास तौर पे टर्की और अमेरिका, इनको क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी इससे? जी देखिए बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि ये को तुर्की जो सऊदी अरब की पॉलिसीज है उस पर तनकीद करने वाले ये खशोगी कोई वाहिद आदमी नहीं थे। हर रोज कोई ना कोई आर्टिकल आप देखें, या मैं और आप भी जब बात कर रहे हैं तो हम भी बड़े इत्मीनान से तनकीद करते हैं। खुद सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर इससे जो है चीजें, ये सऊदी रॉयल फैमिली के बड़े करीब रहे हैं, ये आपको वहां के उनके कई जो आपको पता है कि वहां सारा मीडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट ओन्ड है। तो ये दो बड़े अखबारों के अलवतन और एक और अखबार थे उनके, उनके एडिटर और बल्कि सब चीजें, यानी ये एडिटर के रैंक तक उनके रहे। एक दफा ये नाराज होकर चले गए थे, फिर इनको मना के लाया गया था, और उसके बाद तो ये अब एक देखिए जहां तक दूसरी आपने बात की कि इसके पीछे जो मुजम्मिल जो इसके पीछे जो यानी आप समझे रीजन क्या है, ये वाकई एक पुरस्कार चीज है कि आखिर ऐसी क्या चीज आन पड़ी थी कि एक शख्स को इस तरीके से पूरी की पूरी स्टेट को टॉप लेवल पे जो अपेरेंटली नजर आता है। अच्छा आमिर लतीफ साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी मैं चाहूंगी कि आप हमें कंटिन्यू करें, बहुत सारे सवालात जो इलाकाई सियासत के हवाले से ये भी उठेंगे और पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होगा, वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद है। ब्रेक के बाद इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और आज डेवलपमेंट बहुत अहम हुई हुई है। वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ पे वो माली इमदाद के तआवुन की बात करेंगे, वहाँ पे बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जहाँ पे सरमायाकारों को वो रागिब करेंगे, 5 साल का विजन अपना सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ ऐसे वक्त में सऊदी अरब में जब बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसकी सरबराही जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो वली अहद वो कर रहे हैं, और आपको यकीनन ये बात पता होगी कि जमा साल वली अहद जो है सारे मामले में जो है वो मरकजी किरदार है। इस वक्त
वक्त सऊदी अरब में जो रिफॉर्म्स कहेंगे हम मुआशी तौर पे और इकतसादी तौर पे और मतलब लाइक एक जो सिनेरियो तब्दील होते हुए हमें नज़र आ रहा है, जो हमें एक लिबरल सऊदी अरब कहें नज़र आ रहा है तो गलत ना होगा, उसमें जो है वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बहुत अहम और मरकजी किरदार है। और ऐसे वक्त में जब वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरे यूरोप का बॉयकॉट, अब सऊदी अरब के लिए बड़ी खतरे की अलामत है क्योंकि आने वाले वक्तों में बहुत अहम तब्दीलियां आएंगी। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, अफगानिस्तान में इलेक्शन है, भारत में इलेक्शन है, पाकिस्तान की अपनी जोग्राफियाई अहमियत है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आमिर लतीफ साहब भी और हमें स्टूडियो में महमूद मौलवी साहब भी हैं। महमूद साहब, इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि हम इलाकई सियासत की बात कर रहे हैं और यकीनन अगर सऊदी अरब में कोई चीज़ होगी, जैसे यमन का मामला हुआ था, पाकिस्तान आपने देखा उसमें था नहीं था, पार्लियामेंट में डिबेट चली, पाकिस्तान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन तमाम मामलों को लेकर पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने कहा था कि वो ईरान के मामले पे सऊदी अरब से बात करेंगे, अभी क्या वो इस पोजीशन में होंगे कि वो ये तमाम बातें कर सकेंगे? मेरा ख्याल से देखें, खान साहब जो गए हुए हैं ना, इस वक्त ये टाइमिंग बड़े अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो बड़े अच्छे टाइमिंग है, क्योंकि अगर इस टाइमिंग में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होती है तो वो उस पर बात होगी। और देखें, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया किसी तरीके से ये हम ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से हम तो पूरे इलाके में, आपको खुद को अंदाजा है कि अगर हम किसी तरह ईरान और सऊदी अरेबिया को आपस में मिला लें या ब्रिज बन जाएं तो फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज की भी हमने बात की और जो इंटरनेशनल सिनेरियो बनता नजर आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में आपको क्या लगता है अमरीका और टर्की कहां कहां मामला सेटल करेगा और किन कंडीशन पर सेटल कर सकता है सऊदी अरब के साथ? जी, सिर्फ मैं एक सिर्फ बात को पिछली रह गई जो उसको कंप्लीट करूं। देखें, जो आपने ये जो कॉन्फ्रेंस इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है, फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस फाइनेंशियल, सऊदी अरब इस पूरी कॉन्फ्रेंस को ओवर पावर या ओवर शेडो कर लिया है जमाल खशोगी के कत्ल ने। सऊदी अरब इस वक्त एक बुरी तरह सिफारती तन्हाई का शिकार है और वाकई जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे, पाकिस्तान इस सूरत हाल में इस पर जो वहां डोमिनेट कर रहे हैं वो रशिया है और एग्जेक्टिव है फ्रॉम एशियन कंट्रीज और एक अमेरिका, बाकी पूरे यूरोप का कंपनीज का बड़ी बड़ी जो है, इवन जो इनके को स्पॉन्सर थे न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, फॉक्स, उन सब लोगों ने भी जो है वो बायकॉट कर दिया। और आपको इतला शायद मिली है कि नहीं, आप लोग शो में हैं, कि पाकिस्तान ने खासी चीजें इनसे हासिल भी कर दी हैं। नई इतला के मुताबिक सऊदी अरब ने जो है वो $3 अरब पाकिस्तान को एक साल के लिए देने का ऐलान कर दिया है। यानी कुछ लोगों का मामला सेटल डाउन हो गया है। जी बिल्कुल, और बल्कि $9 अरब का तेल पाकिस्तान को 3 साल के लिए उधार मिलेगा। अच्छा। वो भी हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान को जो है वो ऑयल रिफाइनरी लगाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जो वर्क वीजा है, यानी जो हमारे वर्कर्स है उनके लिए वीजा फीस जो है उसमें भी कमी की बात हुई है। अच्छा। तो सऊदी अरब इस वक्त एक जो है वो एक सिफारती तन्हाई में आ गया है। और आप अगर देखें तो अमरीका इस सारे मामले का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इस वक्त जो है वो सारे वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट और वो जो शायद यूरोप और दीगर मुल्कों की तरफ जाती है, अब इस सारे क्राइसिस से निकालने के लिए अमरीका जो कीमत वसूल करेगा, मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी बेवकूफी ये किसने उनसे करवाई है कि एक सिर्फ एक इंडिविजुअल को के जो शायद कुछ अखबारों में उनके लिए कॉलम लिखता है उनके खिलाफ, और वो तो असल में ये होता है, ये है कि किंगडम जहां होती है वहां पे फैसला कोई कैबिनेट या पार्लियामेंट तो करती नहीं है, वहां तो वन मैन शो होता है, जिसके जहन में जो चीज आई वो उन्होंने वहां पे कर दी। तो अब यानी इस वक्त तुर्की और अमेरिका की पोजीशन ये है कि वो एक बार्गेन चिप इस्तेमाल करेंगे जमाल खशोगी के आमिर साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा वक्त आप हमें और दे दीजिए, ये बता दीजिए अमेरिका तो बेनिफिशरी है लेकिन टर्की का मामला जो है सऊदी अरब के साथ, क्या सिर्फ ईरान को लेके तमाम एक थ्रेट दिया जा रहा है? तैयब अर्दवान ने आज जो पार्लियामेंट में भी बात की है। देखिए, मैंने आपको दो चीजें बता दी है कि एक तो तुर्की डायरेक्ट इस चीज में एक फरीक है कि उसकी जमीन पर एक मर्डर हुआ है और वो शख्स जो एक तुर्क खातून से शादी करने जा रहा था और उसकी जो अपने तलाक के जो पहली बीवी से कागजात थे वो जमा करवाने, तो यानी ये कोई अचंभे की बात नहीं है तुर्की का इन्वॉल्व होना। और अगर आप इसको तारीख के तनाजर में भी देखें तो अगर आपके लिए हो कि सऊदी अरब जिस खित्ते में आज वाके है, जो कि 1932 में कायम हुआ है, ये खित्ता उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। और आप अगर रिसेंटली कुछ हालात में देखें तो जो मेजर अलाइनमेंट्स हो रही हैं पूरे रीजन में फलस्तीन को देख के, तो अरब वर्ल्ड फलस्तीन से तकरीबन पीछे हट चुकी है और सऊदी अरब उसका सरहेल है।
यानी वो फलस्तीन से जान छुड़वाना चाहते हैं और फलस्तीन का इस खत्ते में सबसे बड़ा हामी जो है वो तुर्की है, बिल्कुल है। और वो जिस तरीके से उनके साथ आगे गया है, और ये भी इस वजह से नहीं है कि शायद कि तुर्की की कोई पूरी रियासत, बल्कि वो तैयब अरबान की वजह से वो जो हुकूमत है और उनकी जो मतलब एक मेजोरिटी है लोगों की वो। अच्छा आमिर साहब, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, अब सऊदी अरब को, क्योंकि आज कुछ बरतानवी नशरियाती इदारे कह भी रहे थे कि जी सऊदी कौंसिल जनरल के घर के लॉन से जो है उनकी लाश भी बरामद हो गई है, और जो भी मामला आगे चलते हैं, इस वक्त सऊदी अरब कहां पर आपको स्टैंड करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जर्मन चांसलर ने जो है बिलियन डॉलर्स के जो असलहे की खरीदो फरोख थी वो कैंसिल या पोस्टपोन कर दी, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का जो है वो ज्यादा अहमियत दी है। देखिए अगर तो हम आज तक के हवाले से बात करें, अगर हम आज तक के, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सऊदी अरब जो है वो इज इन डीप ट्रबल, सीम्स टू बी इन डीप ट्रबल इन टर्म्स ऑफ जो इनके डिप्लोमेटिक टाइज है। ठीक, लेकिन आपको जैसे इल्म है कि जो रियासतों के ताल्लुकात होते हैं ये किसी एक वाक्य या किसी एक शख्स की बुनियाद पर हमेशा के लिए खराब नहीं रहते, तो सऊदी अरब की एक अपनी स्ट्रेटेजिक हैसियत है, सऊदी अरब खुद भी एक अपने पास उसके पास बार्गेन चिप है, बिकॉज इट इज द बुल वॉर्क जिसको हम कहते हैं, जो कि दीवार है अगेंस्ट ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो ये सऊदी अरब है, जो कि सो कॉल्ड ईरान की थ्रेट को और इसराइल को प्रोटेक्ट इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे मौजूद है, तो उस लिहाज से अमेरिका भी बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, ना ही यूरोप बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस करेगा, बिकॉज अगर सऊदी अरब डिप्लोमेटिकली वीक होता है तो ईरान मजबूत होता है, जो कि अमेरिका को और यूरोप को शायद आज तक काबले कबूल ना हो। कल का मैं नहीं जानता कि क्या वो चीज है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक नई अलाइनमेंट हो रही है और जमाल खशोगी का कत्ल जो है वो आप उसको उससे आइसोलेट नहीं कर सकते। एक थ्योरी ये भी है, अगर आप इस पे एक मिनट आप मुझे दें, एक थ्योरी ये है कि शायद अब मिडिल ईस्ट में सुन्नी सऊदी अरब की जगह शिया ईरान को थानेदार बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा। और उसके लिए सऊदी अरब का जो है वो घिराव किया जा रहा है, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि शायद हालात इस महज पे अभी तक नहीं पहुंचे, और जो जाती ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप और शहजादा सलमान के हैं वो जाती तौर पर भी है, और उसके अलावा भी, यानी सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है, जो तेल की उसकी पैदावार है वो अमेरिका, मतलब ये कि अगर देखें तो पूरे खत्ते में जो तेल को कंट्रोल करने वाले सऊदी अरब के जरिए ही अमेरिका पूरे खत्ते में तेल की तिजारत को जो है वो कंट्रोल करता है, तो शायद ईरान इस लहज पे अभी नहीं आ सकता कि वो खुल के अमेरिका के लिए उस तरह काम कर सके जिस तरह सऊदी अरब एक अलाय के तौर पर कर रहा है। और स्पेशली आप याद रखें, अमरीका की सबसे पहली प्रायोरिटी इसराइल को सेफ गार्ड करना है इस खत्ते में, तो अगर वो इसराइल को सेफ गार्ड करेगा तो ईरान में जो जज्बात है इसराइल के खिलाफ वो इतनी, यानी जिसे कहते हैं ना कि जो तब्दीली नहीं आ सकती फौरन के आप 2018 का इलेक्शन करवाएं और अगले दिन मुल्क बदल जाए, तो वहां ये मुमकिन नहीं है। दैट इज वाई अभी मैं समझता हूँ कि कुछ दिन ये जरूर मामला इस तरह रहेगा, और सऊदी अरब को कुछ रिश्वत, जिसको मैं सही वर्ड इस्तेमाल करूँ कंसेशन की जगह, कि उसको बड़ी पैमाने पर रिश्वतें देनी पड़ेंगी इन रीजन के ममालिक को, जो उसका बायकॉट करने की अहलियत रखते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर लतीफ साहब, काफी डिटेल में आपने हमें बताया। महमूद साहब, ये अब मैं तो मुबारकबाद दूंगी, बहरहाल जो सऊदी अरब के हवाले से जो अलाइनमेंट बनने जा रही वो तो एक अलग डिस्कशन थी। 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को, 9 अरब उधार तेल मिल गया, यानी आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है सही वक्त पे जाके जो है गुडविल दिखा के जैसे दिखाकर जो है वो पाकिस्तान को कुछ जो है स्टेबिलिटी दे दी है इकोनॉमी तो उस पे। अब आप लोगों का अगला प्लान यकीनन अभी तो कुछ कह नहीं सकते, कबल अज वक्त होगा, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं इलाकाई, अगर हम सियासत की बात करें जरा शॉर्ट, मुझे मुख्तसर वक्त है बहुत, बता दीजिएगा क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए हम पाकिस्तान से क्या सऊदी अरब ने मांगा होगा? देखिए पाकिस्तान से सऊदी अरब ने मांगा होगा ब्रिज बनाने के लिए, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया ईरान के पास डायरेक्ट जा नहीं सकता, और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि इन दोनों के बीच में ब्रिज बन सकता है। अच्छा, और अगर ये ब्रिज बनता है तो देखें जहां वो ये ब्रिज बनेगा तो बाकी जो यूरोपियन और इनके लिए भी तो एक सपोर्ट आ जाता है। अच्छा। देखिये पाकिस्तान का सपोर्ट आना एक काफी, हालांकि देखा जाए ना काफी पोटेंशियल है उसमें, ठीक है ना, कि पाकिस्तान का सपोर्ट सऊदी अरब की तरफ ठीक वुड बी। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ महमूद मौलवी साहब आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। नाज़िम, जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा बहुत तो अचीव कर लिया, लेकिन वही बात जो मैंने पहले कही थी कि कुछ दो और लो के मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं सऊदी अरब के साथ, अब वो क्या लेन देन हुई है ये, इसके लिए हमें एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। शाजिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।